नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने सीबीआई को दिए बंगाल हिंसा जांच करने के आदेश, यानी कि हत्या और रेप के मामलों की अब सीबीआई करेगी जांच। तो वहीं एसआईटी का भी गठन करने का दिया गया है आदेश। और अब बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगने के बाद बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं ऐसे में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अब उन्हें किसी भी सूरत पर इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं होने को लेकर लगातार इसको नजरअंदाज कर रही थी, लगातार हिंसाओं की घटनाओं से इनकार करती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब उसी हिंसा की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जी हां, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आई थी और इस हिंसा में कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं की गई थी और तमाम महिलाओं ने खुद ये गैंगरेप होने के बाद आरोप लगाए थे कि पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की है। और यही नहीं, इस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में भी कई शिकायतें याचिकाएं भी दाखिल की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी बार बार उन शिकायतों को नजरअंदाज करने का काम कर रही थी। हालांकि याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की एक टीम को भी प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात करने को लेकर और अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जो ममता बनर्जी अब तक बंगाल हिंसा को लेकर झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब उनकी पोल खुल चुकी है। और अब तक जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच निकालने का काम ममता बनर्जी ने किया है, अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और यहां तक ही आपको बताते चले कि अब वो समय आ चुका है जब ममता बनर्जी को अपनी गद्दी छोड़नी होगी और ममता बनर्जी को इन तमाम गुनाहों के आरोपों पर इनका जवाब देना होगा और अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का साफ तौर पर आदेश दे दिया है, और ये कहां है हाईकोर्ट की ओर से, हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने बंगाल हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी की रिपोर्ट का हला भवाला देते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हत्याएं हुई हैं, रेप हुए हैं, और ऐसे में अब कोर्ट अपनी देखरेख में सीबीआई जांच कराएगी। साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे सभी मामलों को लेकर एसआईटी का गठन किया जाएगा जिसमें 3 सदस्य होंगे और अब एसआईटी की जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नजर रखेंगे कि कैसे आखिर तमाम अब तक हिंसा घटनाएं हुई थी और क्यों अब तक इन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बंगाल में हुई अलग अलग जगह हिंसा को लेकर सीबीआई और एसआईटी अब इस पर नजर बनाएगी, जिस पर नजर साफ तौर पर हाईकोर्ट रखने वाली है। जी हां, और ये विशेष जांच दल अपने काम के लिए किसी भी जांच एजेंसी की मदद ले सकेगा। जी हां, कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर आदेश दिया है कि चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े दूसरे सभी मामलों की जांच हालांकि एसआईटी करेगी, एसआईटी की ओर से इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। और इसके अलावा बेंच ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि दोनों की निगरानी जिस तरीके से हमने आपको बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से की जाएगी, जिसके लिए साफ तौर पर 3 सदस्य एसआईटी की टीम का भी गठन करने की बात कही गई है। जी हां, साफ तौर पर अब ये तमाम जांचें जो की जाएंगी, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट अब हाईकोर्ट को देगी और ये रिपोर्ट देखने का वक्त 6 सप्ताह के अंदर यानी कि हाईकोर्ट को रिपोर्ट जमा करनी है, जिसके बाद साफ तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, और साथ ही साथ कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ममता सरकार से यह भी कहा है कि ये एक अदालत की निगरानी में जांच होगी और किसी के भी ओर से जांच के दौरान किसी भी बाधा को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ममता बनर्जी सीबीआई जांच से बचने के लिए तमाम पैंतरे अपनाती हुई दिखाई पड़ रही थी, किस तरीके से
अपनी राजनीति खींच निकालने के लिए कभी सीबीआई के अलग मसले को लेकर सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया जा रहा था, तो कभी किस तरीके से बीजेपी के अलग अलग नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम ममता बनर्जी अब तक करती हुई आ रही थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने इस बड़े फैसले के बाद साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है ममता बनर्जी की पोल खोलकर कि बंगाल में हिंसाएं हुई हैं जिन्हें ममता बनर्जी लगातार नजरअंदाज करने में लगी हुई थी। जी हां, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त लहजे में यह भी ममता बनर्जी को कहा है कि अब तक 60% शिकायतें बंगाल में ऐसी हैं जिन पर कोई अब तक शिकायत दर्ज नहीं की गई, उन पर कोई कार्रवाई ममता सरकार की ओर से नहीं की गई है। जी हां, साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने हत्या और बलात्कार के गंभीर से गंभीर जघन्य मामलों का भी जवाब नहीं दिया और मुझे यह आश्चर्यचकित है कि ऐसे में ममता सरकार में ऐसा कौन क्रूअल पर्सन बैठा हुआ है जो बंगाल पर शासन कर रहा है, जिसने महिलाओं के बलात्कार को मंजूरी दी है। जी हां, जिस तरीके से साफ तौर पर ममता बनर्जी को यहां पर बड़ा झटका लगा है, उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल बीजेपी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसी कड़ी में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के शासकों ने बंगाल को राजनीतिक हिंसा की प्रयोगशाला बना दिया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय 5 सदस्यीय पीठ द्वारा आज का जो ऐतिहासिक निर्णय साफ तौर पर सामने आया है उन्हें मानवाधिकारों की रक्षा करने में विफल के लिए प्रेरित करता है। जी हां, और इसीलिए अब यह साबित हो गया है कि न्यायपालिका संविधान और लोकतंत्र का सबसे दुर्जय स्तंभ है। तो इसी को लेकर हालांकि लगातार टीएमसी के नेताओं की भी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है इसके बाद से ही लगातार टीएमसी के नेताओं की भी बौखलाहट आनी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता सौगत राय का दरअसल बौखलाहट सामने आई है, उनकी बयानबाजी सामने आते हुए उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले से नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं इस फैसले से नाखुश हूं, अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में जो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है सीबीआई इसमें आती है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है और मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति का न्याय करेगी और अगर आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय में भी अपील करने का निर्णय लिया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक अब टीएमसी की बौखलाहट आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बंगाल हिंसा में ममता सरकार के कृत्यों को छुपाने का काम लगातार नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, आखिरकार आज कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पोल खोलकर रख दी है, जिसको लेकर अब लगातार एक और जहां टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इसका स्वागत किया है। इसी कड़ी में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा राज्य सरकार के संरक्षण में हुई है, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश ने सरकार की पोल खोल दी है और हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। तो वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के बाद की हिंसा की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का जो आदेश दिया है हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का अधिकार है लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जी हां, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने दिया है इससे साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने बंगाल में सीबीआई जांच का विरोध किया था, उन्हें जांच से रोका जा रहा था और आज उसी सीबीआई को जांच करने के आदेश साफ तौर पर दे दिए गए हैं जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, ममता बनर्जी लगातार इस हिंसा से इनकार करती रही और इतना ही नहीं जो NHRC की जिस रिपोर्ट में भी कोलकाता हाईकोर्ट ने मान्यता दी है उसे बंगाल की मुख्यमंत्री पॉलिटिकल मोटिवेटेड रिपोर्ट करार देती हुई दिखाई पड़ी थी, जिसको लेकर NHRC की टीम ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी के कामों का खुलासा किया था, उनके कृत्यों का खुलासा किया था और ये बताया था कि किस तरीके से बंगाल में कानून का शासन नहीं जबकि सिर्फ और सिर्फ शासक का कानून चला रही है
ममता बनर्जी, जिसको लेकर ममता बनर्जी की भी कई तरीके से बौखलाहट सामने आई थी। लेकिन अब जो बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, जिस तरीके से बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वही इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी की पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है, हत्या को ममता बनर्जी नहीं रोक पाए, उसके बाद लोगों को इंसाफ दिलाने में भी ममता बनर्जी विफल रही है। पश्चिम बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां पर वर्दी का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जाता था, लेकिन अब सबको इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से अब तक पश्चिम बंगाल में महिलाओं से लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, किस तरीके से लोगों को वहां पर चुन चुन कर पीटा गया है, उन सबको इंसाफ मिलने की उम्मीद है। तो साफ तौर पर हम भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और ये बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी, हालांकि पहले से ही उनकी कुर्सी संकट में थी, क्योंकि संवैधानिक तौर पर ममता बनर्जी अभी किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं है, तो 4 नवंबर से पहले हालांकि उन्हें विधायक बनना जरूरी था, लेकिन अब जिस तरीके से जो बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने ये सख्त रुख अपनाया है, ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और अब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।